साथियों, आज हम बात करेंगे सिक्योर लोन के बारे में। अगर आपका कोई मकान, दुकान, जमीन, जदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम का लोन है, आपने कोई सीसी लिमिट बनवाई है, लैप है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, होम लोन लिया है या प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके किसी भी तरह का लोन आपने लिया है, तो क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके से अगर आपकी भगवान ना करे ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी उसकी किस तरह से ऑक्शन कर सकता है और आपके पास क्या बचाव का क्या तरीका है। सबसे पहले तो एक बात समझें, हमारे देश में या सारी दुनिया के किसी भी कोने में दो तरह के सिर्फ लोन होते हैं, अनसिक्योर लोन, सिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन मतलब जिसमें हमने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, सिक्योर लोन जिसमें हमने कोई एसेट, कोई सिक्योरिटी, कोई प्रॉपर्टी, कोई गोल्ड या कोई भी ऐसा कीमती सामान जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास रख के हमने पैसा लिया और उनको ये पावर दी है, उनको ये राइट्स दिए हैं कि अगर हम उनके पैसे ना दें तो उसकी एक्शन करके, बोली करके उसको अपने पैसे पूरे कर लें, जिसका बहुत से बैंक एनबीएफसी कंपनी बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। साथियों, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं लोन से रिलेटेड लगभग 2000 से भी ज़्यादा वीडियो डाल चुका हूँ। आप कोई आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर आ रही है तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब लोग कहते हैं कि सर लोन तो कई तरह के होते हैं, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, गाड़ी का लोन, मकान का, दुकान का, फैक्ट्री, कारखाने का। भाई बेसिक प्रिंसिपल है जो वो कभी नहीं बदलता, अगर आपकी ईएमआई सिक्योर लोन में डिफॉल्ट हो जाती है तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्या कर सकता है और क्या करता है। सबसे पहले जैसे ही आपकी एक दो ईएमआई डिफॉल्ट होती हैं तो 54 छाप कुत्तों को पीछे छोड़ दिया जाता है, जो ये जीबी रोड के दल्ले हैं, ये लोगों को डराते और धमकाते हैं। आपके पास एक रिकॉल नोटिस इशू करता है बैंक या एनबीएफसी कंपनी। रिकॉल नोटिस का मतलब क्या है कि वो बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको कानूनी रूप से धमकी दे रहा है। आपका 20 साल का लोन है, फॉर एग्जांपल आपने दिया एक साल है, 19 साल अभी बचे हुए हैं, वो ये कह रहा है कि 19 साल के सारे पैसे हमें वापसी दो और जो आज तक का ब्याज है और जो भी हमने पलंटी लगाई है वो दे दो। अरे उसको ही पता है यार, जो 19 साल के पैसे इसके पास होते तो ये लोन ही क्यों लेंदा, तो एक साल के भी अपनी दे देंदा, तो फिर ब्याज क्यों भरता। ये आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए नोटिस भेजते हैं। अब आपने पैसे नहीं है, नहीं दिए, अरे एक दो ईएमआई तो दी नहीं जा रही यार, 19 साल की कहां से देवेंगे यार, कॉमन सेंस की बात है, वो फुद्दू बनाने का ठेका ले रखा लोगों, ठीक है इनके पास राइट्स हैं, भेज सकते हैं भाई। उसके बाद जैसे ही आपकी 3 EMI डिफॉल्ट होगी, सबसे पहले पहली EMI डिफॉल्ट होगी, आपके लोन को डाल देंगे SMA, स्पेशल मेंशन अकाउंट, आपकी ज्यादा निगरानी की जाएगी। 2 EMI डिफॉल्ट होगी तो SMA 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। ये टेक्निकल लैंग्वेज है, बैंकिंग की भाषा है जिसको आम आदमी समझ नहीं पा रहा है। अगर 3 EMI डिफॉल्ट होगी तो आपका डाल देंगे NPA में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा। उसके बाद अगर आपका कोई सिक्योर लोन है, मकान, दुकान, जमीन, जदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी का, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट कर देंगे, लागू कर देंगे। सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आएगा, 13(2) का आएगा, पहले आपको 60 दिन का टाइम दिया जाएगा। सबसे पहले तो 3 महीने से पहले सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। अब ये सवाल ये है कि सरफेसी एक्ट 2002, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि 2002 में इसका जन्म हुआ, अब क्या उससे पहले बैंकिंग नहीं हो रही थी, उससे पहले लोग लोन नहीं ले रहे थे मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने का, या उससे पहले लोन डिफॉल्ट नहीं हो रहे थे? अगर हो रहे थे तो फिर वो पैसे कैसे अपने रिकवर कर रहा था? भाई हमारे देश में तो बैंकिंग का जन्म जो है 1843 में हो गया है,
सबसे पहला हमारे देश का बैंक का नाम था बैंक ऑफ मद्रास, बाद में इसका नाम बदल के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, और उसके बाद फिर बदल के इसका नाम एसबीआई कर दिया गया, जो आज भी हमारे देश में काम कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2002 से पहले रिकवरी करने के लिए बैंकों को कोर्ट में जाना पड़ता था, और कोर्ट में हमारे देश में भीड़ इतनी है, बहुत ज्यादा बर्डन है कोर्ट के ऊपर, वहां ज्यादा टाइम लग जाता था। इसलिए अवस्था क्योंकि आविष्कार की जन्य सरफेसी एक्ट बनाया गया कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी को बिना कोर्ट में जाए रिकवरी उस प्रॉपर्टी की एक्शन कर सके। अब जब ये सरफेसी एक्ट 2002 बन गया, ये कहता क्या है, अगर आपकी 3 EMI डिफॉल्ट होगी, एनपीए में आपका केस चला गया, तो आपके पास 13(2) का नोटिस आएगा सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग, ऊपर लिखा पाएगा सरफेसी एक्ट 2002 और 13(2) का नोटिस 13(2) का, उसमें आपको 2 महीने का टाइम देंगे, 60 दिन का। अगर आपने फिर भी पैसे नहीं दिए तो टोटल 5 महीने हो गए, क्योंकि 3 महीने के बाद तो जाएगा ही एनपीए में, और 2 महीने और हो गए, 5 महीने हो गए। उसके बाद आपके पास 13(4) का नोटिस भेजेंगे, 1 महीने का टाइम देंगे, 30 दिन का। तब भी अगर आपने पैसे नहीं दिए तो जैसे ही आपके पास 1 महीने का टाइम देंगे, आपकी प्रॉपर्टी की एक वैल्यू निर्धारित करेंगे, वो इनका वैल्यूअर ही उसकी वैल्यू लगाएगा कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। ज्यादातर का उत्ता क्या है, बहुत से बैंक एनबीएफसी कंपनी उसकी मार्केट वैल्यू से बहुत कम लगाते हैं, 3 करोड़ वैल्यू है उसके 1 करोड़ लगा देंगे, भाई चल भी की जाओगे, हमने तो लेनी 1 करोड़ रुपए है। तो ऐसे इनके पास कोई राइट्स कोई अधिकार नहीं है कि कबाड़ी के रेट में आपकी प्रॉपर्टी को बेच दे, सेल कर दें। ये क्या करेंगे, जब लास्ट का नोटिस आपके पास ये भेजेंगे 13(4) का, जिसको बोलते हैं 1 महीने का टाइम, टोटल 6 महीने, तब ये उसको जो आपका लोकल न्यूज़पेपर है उसके अंदर एक एड निकलवा देंगे, इश्तिहार निकलवा देंगे, और एक तारीख निर्धारित कर देंगे, डेट फिक्स कर देंगे, इस तारीख को इस मकान दुकान फैक्ट्री कारखाना जो भी आपने मोर्टगेज किया कि इसकी बोली होगी, एक्शन होगी, इसको सेल करेंगे वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी। अब वो उसको ऑनलाइन करेंगे या ऑफलाइन करेंगे, उनके राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अगर फिर भी आपने नहीं दिया तो सिंबॉलिक पोजीशन ले लेंगे आपके मकान दुकान फैक्ट्री कारखाने, प्रतीकात्मक कब्जा, मतलब कब्जों में कब्जा ले लेंगे, लेकिन फिजिकली कब्जा डायरेक्ट बैंक एनबीएफसी कंपनी ले सकता, उनके डीएम साहब के पास जाना पड़ेगा। हरियाणा पंजाब में डीसी बोलते हैं, यूपी में दिल्ली में डीएम बोलते हैं, बहुत सी जगह कलेक्टर बोलते हैं, अलग अलग स्टेट में इन ऑफिसर का नाम अलग अलग है, लेकिन उनके पास जाएंगे और वहां से आपको, वहां से भी एक नोटिस मिलेगा, 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो डीएम साहब देखेंगे कि करना क्या उसमें, लेकिन अगर 15 दिन तक भी आपने पैसा निकाल नहीं दिया तो वहां से फिजिकल पोजीशन के ऑर्डर आ जाएंगे, भाई मौके पे कब्जा इनको दिया जाए, मतलब उसके मकान दुकान फैक्ट्री कारखाने के डोबरे बर्तन जो है सड़क पे रख दिए जाए और उसको खाली करवा लिया जाए, फिर पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी बैंक एनबीएफसी कंपनी को, जो अभी आपके पास नियर बाय थाना है वहां से पुलिस आएगी, अगर कोई भी उसमें कोई बाधा पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ FIR लॉज कर दी जाएगी, उसका पर्चा दर्ज कर दिया जाएगा, जेंट्स पुलिस भी आएगी, लेडीज पुलिस भी आएगी, जेंट्स कोई बाधा पहुंचाएगा तो जेंट्स पुलिस पकड़ेगी, लेडीज कोई बाधा पहुंचाएगी तो लेडीज पुलिस, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का पर्चा दर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे इनके पास कोई राइट्स कोई अधिकार नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में बेच दें। सवाल यह आता है कि इसमें भी सेटलमेंट होती है, हाँ होती है, इसमें भी होती है, वही लगी फटने करात लगी बटने किस कंडीशन में होती है। सबसे पहले तो आप एक नोटिस इशू कर दो, भाई मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए, 1 करोड़ में कैसे आपने वैल्यू लगा दी, 2 आदमियों का एफिडेविट लेके आओ कि वो 1 करोड़ में बेचने के लिए तैयार है मेरी लोकेशन पे, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। उसके अलावा अगर किसी कारण से प्रॉपर्टी का पहले ही कोई डिस्प्यूट है किसी भाइयों में है या और किसी में वट एवर, और वो कोर्ट में मैटर चला हुआ है और 2-3 साल लग गए हैं, तो इनके पास इतना टाइम नहीं है, तो आपसे सेटलमेंट करेंगे, या आपने वो पहले ही लीज पे दे रखी है, पहले ही किराए पे दे रखी है और वो लीज एग्रीमेंट 10 साल का बना हुआ है, तो 10 साल तक तो उसकी एक्शन हो ही नहीं सकती, तो इस कंडीशन में भी,
और भी कुछ ऐसी कंडीशन है, कानूनी रूप से आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। आप अगर 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो डीआरटी में भी इनके खिलाफ जा सकते हैं, वहां से भी स्टे लेके आ सकते हैं, यह भी कोर्ट का नाम है। तो डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, अब फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का है या कितने अरब रुपए का लोन है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13-2 का, 13-4 का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, अगर आपकी 3 से ज्यादा ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा, 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुई है तो 3 के बाद आ जाएगा, 1 भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हुई, आपको ऐसा लग रहा है फ्यूचर में नहीं दे पाऊंगा, तो जैसे ही 3 ईएमआई डिफॉल्ट होंगी तुरंत प्रभाव से आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आएगा, संप्रेस सरफेसी एक्ट आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है या आने वाली है तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें, प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314, इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, ये नंबर जो है मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, बोल पे गंजे टकले, जय ससुराल वालों की।